आप आए दिन ऐसी वीडियोस बनाते रहते हो जिसमें आप या तो किसी लेडी के फेवर में खड़े होते हो या फिर किसी लेडी के अगेंस्ट खड़े होते हो, मतलब आप डबल गेम खेल रहे हो उस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो युग जो है टीवी देख रहा है और मैं आज आपसे ना कुछ बात करना चाहूँगी, कुछ मिनट्स लेना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं अपने बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं करने वाली हूँ एक यूट्यूबर के बारे में बात। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी सी कुछ बातें बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे आज ये क्या बोले जा रही है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक दूसरे यूट्यूबर को एक्सपोज किया है, बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने सच का साथ दिया है। एक यूट्यूबर जो है वो दूसरे यूट्यूबर के बारे में कुछ गलत ऑडियो उन्होंने दूसरे चैनल पर बनाई और उनके बारे में बहुत ही गलत गलत बोला। अब मैं उन दो यूट्यूबर्स के बारे में, मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं सिर्फ उस यूट्यूबर के बारे में बात करूंगी जिन्होंने इस यूट्यूबर की तो हेल्प की और इस यूट्यूबर को एक्सपोज किया, जिसने इस यूट्यूबर को काफी बदनाम किया यूट्यूब पर। तो ये दो यूट्यूबर की बात है, बट इन दोनों को मैं साइड में रखती हूँ। मैं बात करती हूँ उस यूट्यूबर की जिन्होंने इस यूट्यूबर को एक्सपोज किया था। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं यूट्यूब पर, क्योंकि सच के साथ बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि सच का सामना करने की सब में हिम्मत नहीं होती है। गलत के लिए खड़े होना बहुत ही हिम्मत वाली बात है और गलत का साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो उनका नाम है दीवा मंत्रा जी और मैं अभी उनको कुछ दिनों से ही देखने लगी हूँ। तो बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो, आई हाईली अप्रिशिएटेड योर वर्क, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं चाहूँगी कि आप आगे भी इसी तरीके से काम करते रहो और जो भी कोई लोग यूट्यूब पर गलत काम करें उनकी आप इसी तरीके से पोल खोलते रहो और उनका जो डबल फेस है ना वो उतार दो, ला दो सबके सामने, और जो डबल गेम खेलते हैं उन्हें भी आपने एक्सपोज किया है बहुत अच्छे से। तो दीवा मंत्रा जी नाम है उनका और बहुत अच्छा कंटेंट है उनके चैनल का, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है आपकी, बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, बहुत ही टैलेंटेड हो आप, तो ये बोलने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप तारीफ के लायक हो, आपने काम ही ऐसा किया है। और यहाँ पर मैं एक दूसरे यूट्यूबर के बारे में भी बात करूंगी कि दीवा मंत्रा जी ने जिन्हें एक्सपोज किया, जो क्लिप उनके पास आई वो कहाँ से आई, जिन्हों एक यूट्यूबर है उन्होंने दीवा मंत्रा जी को वो क्लिप भेजी थी और इंस्टाग्राम पे, और मुंबई में रहती है दीवा मंत्रा जी, तो उस टाइम जो है साइक्लोन आने वाला था, तो जब उनके पास ये क्लिप आई जिस यूट्यूबर ने भेजा उनके पास, तो वो उन्होंने बोला कि मैं बाद में देखती हूँ, अभी यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। तो उन्होंने उस लेडी दीवा मंत्रा जी को उसने बोला कि अरे तुम ये देखो, ये बहुत ही फनी वीडियो है, तुम साइक्लोन भी भूल जाओगी। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी उस यूट्यूबर की जिसने दीवा मंत्रा जी को ये क्लिप भेजी, क्योंकि मुझे जब से मैंने दीवा मंत्रा जी को की वो वीडियो देखी है तब से ही मुझे उस यूट्यूबर पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि चलो, इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा कि उसने क्लिप भेजी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर जो आवाज है वो थी किसकी, चलो मान लिया उन्हें नहीं पता होगा, बट उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, जो सेंटेंस उन्हें बोला कि इतनी फनी वीडियो है कि आप भूल जाओगे साइक्लोन को, तो उसमें फनी क्या था यार, मुझे ये बताओ उसमें फनी क्या था। मुझे तो वो कहीं से फनी नहीं लगी, मुझे तो बहुत गुस्सा आया उसको देखकर। अगर मैं उस लेडी को नहीं भी जानती जिसके बारे में सब बोला गया था, उसकी पिक्चर्स लगा के इतना गंदा गंदा बोला गया था, कैरेक्टर तक के बारे में भी बोला था, तो मैं उसे नहीं भी जानती तो भी मैं ये क्लिप देखती तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता कि एक लेडी ने दूसरी लेडी के बारे में ऐसे कैसे बोला, और जिसने इसे फनी बोला वो भी एक लेडी है, तो वो कैसे बोल रही है उसको फनी। आप आए दिन ऐसी वीडियोस बनाते रहते हो जिसमें आप या तो किसी लेडी के फेवर में खड़े होते हो या फिर किसी लेडी के अगेंस्ट खड़े होते हो, मतलब आप डबल गेम खेल रहे हो। उस जिसको एक्सपोज किया दीवा मंत्रा जी ने, वो
उसकी ये दोस्त भी बनती हैं और उधर और उन्होंने ही ये क्लिप भेजी, आपने उन्हें बताया कि क्लिप मैंने ही भेजी थी? नहीं बताया होगा। तो यार क्या आप मतलब वो टू डबल गेम खेलते हो, डबल फेस। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइबर्स को पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ समझा जा रहा है और उनको व्यूज मिलते हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। और जो हमारे जैसे लोग हैं अपना ओरिजिनल कंटेंट दिखाना चाहते हैं उनको इतने व्यूज नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक भी आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी उन्हें ही देखना पसंद करते हो मोस्टली, जो कि मतलब एक दूसरे की मतलब बुराइयां करते हैं, इस तरीके की करते हैं। क्यों? मैं सब्सक्राइबर से भी पूछना चाहूंगी, आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते हो जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, किसी तीसरे पर्सन की बात ज्यादा नहीं करते हैं। मैंने भी पहले कुछ वीडियोस ऐसी बनाई थी जिसके बारे में मैंने बोला है जो मुझे गलत लगता है, बट इस तरीके से डबल गेम कभी नहीं खेला मैंने। और आज भी जो गलत है वो गलत है, मुझे भी पहले लगता था वो यूट्यूबर गलत नहीं है, बट मुझे अब यकीन हो गया और कुछ कुछ उन्होंने ऐसी चीजें की हैं जिससे मुझे यकीन हो गया कि हाँ उन्होंने ही ये सब किया है। उनसे भी मेरी बात होती थी। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लाइव में उनकी दे दे दो। क्या दे दूं? पानी। पानी में तो बॉटल है ना आपकी, ले लो ये बॉटल आपकी। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि हाँ मैं उनकी लाइव में गई थी क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि शायद उन्होंने ये सब नहीं किया होगा, बट कुछ क्योंकि वो रो रही थी तो जरूरी नहीं है कि वो, हाँ रोते हुए मुझे बुरा लग रहा था उनको देख के, उन्होंने बेटे की कसम भी खा ली, बट फिर वो हर जगह जाके सॉरी भी बोल रही है और ये भी कह रही है मैंने नहीं किया। तो ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है, तो मुझे भी नहीं हो रही। और जहां पर मैं देखूंगी कि कोई गलत है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई को यूट्यूबर हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदारी क्यों ना हो, मैं उसके साथ नहीं दूंगी अगर वो गलत है। तो इसीलिए मैं उनको जवाब देना चाहूंगी क्योंकि एक यूट्यूबर हैं जो मेरे से पूछ रही थी दीवा मंत्रा जी के कमेंट सेक्शन में कि आप तो उनका साथ दे रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने एक बार बोला था कि भाई आप, मुझे नहीं लगता कि आप हो, बट अब मुझे लगा कि वो है। तो गलत का पता चलने पे भी अगर आप गलत का साथ दोगे तो वो गलत है, ठीक है ना। और उन यूट्यूबर को मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डबल गेम मत खेला करो, दो नाव में सवार कर नहीं कर सकते हो आप, पैर डूबेगा जरूर, ठीक है ना। पैर क्या, एक नाव जरूर डूबेगी, दोनों नाव डूब जाएगी बल्कि, ठीक है ना। तो दो नाव में मत सवार करो। और लेडीज के बारे में, दूसरी लेडी के बारे में जो आपने बोला ना फनी, जब आपके लिए कोई ऐसी वीडियो बनाएगा ना तब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि ये फनी वीडियो होती कैसी है, फनी होता क्या है और बुरा लगना क्या होता है। जब आपके बारे में कोई ऐसे बनाएगा तब आपको पता चलेगा। वो इतनी बुरी वीडियो थी तभी तो दीपा मंत्रा जी ने उसको डिकोड किया, उस आवाज को, और सबके सामने एक्सपोज किया। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप दीपा मंत्रा जी, थैंक यू सो मच, आपको मैं बोलना चाहूंगी। और आगे भी आप इसी तरीके से काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता है मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो मैं अभी बताना भूल गई अपनी उस बातों में जो मैंने आपसे शेयर की, कि जिन्होंने क्लिप शेयर की थी ना उन ब्लॉगर ने जो है सारे कमेंट्स जो हैं, मतलब जो लेटेस्ट वीडियो थी जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है टू वीडियोस लास्ट, उसमें से अपने कमेंट्स जो है रिमूव कर दिए हैं। क्यों के रिमूव? और आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दिवाकर सक्सेना जी, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दिवाकर सक्सेना जी, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, प्लीज अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखिए, मेरी वीडियोस यूं ही देखते रहिए। और मेरी वीडियो और मेरी बातों से आप एग्री हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार आए हैं।
और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे, सबसे पहले मिले। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या राय है इस बारे में। बाय गाइस, सच का साथ दीजिए हमेशा।